सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल स्कीपर प्रकाश में। तो आज हम लोग फिर से नया जगह में जाने वाले हैं बहुत दिन के बाद। जगह का नाम है डोंबारी बुरु। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं डोंबारी बुरु का सीन किस प्रकार है, वहाँ का नज़ारा किस प्रकार है, और वहाँ पे पत्थर का बनाया गया है, मतलब स्तंभ बनाया गया है। तो चलिए दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा किस प्रकार है आप लोग को। सो गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं डोंबारी बुरु। तो नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, नीचे साइड से इस प्रकार से दिखाई देता है। वो जो दिख रहा है आप लोग को छोटा सा स्तंभ पत्थर, वही है डोंबारी बुरु, यहाँ का पहचान। तो चलिए वहाँ के बारे में आप लोग को बताते हैं। वहाँ पे जाके सामने देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। और इस जगह पे 9 जनवरी को मेला लगता है, काफ़ी बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा गया है, और देख सकते हैं पीछे बिरसा मुंडा धरती अब्बा का मूर्ति बनाया गया है, और उधर साइड है डोंबारी बुरु का स्तंभ बनाया गया है। तो चलिए हम लोग उधर आगे चलते हैं, यहाँ जो रास्ता है यहाँ से उधर जाते हैं रास्ता से। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं डोंबारी बुरु किस प्रकार से है, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी मौसम का तेज जहर लग रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ से भी हम लोग को जाना है ऊपर, जहाँ पे डोंबारी बुरु का स्तंभ बनाया गया है, वहीं पे जाना है हम लोग को। तो चलिए चलते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को कुछ मोटिवेट मिलता है, और हम लोग को थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि हम लोग का वीडियो ये मतलब इतने लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छे अच्छे नज़ारा दिखाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके डोंबारी बुरु पे, और देख सकते हैं पीछे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और काफ़ी ऊँचाई पर बनाया गया है, ये पत्थर पर बनाया गया है, और चारों साइड से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। चारों साइड का नज़ारा देख सकते हैं, पूरा घनघोर जंगल, और बीच में यह स्तंभ बनाया गया है डोंबारी बुरु का। और यहाँ से बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों को मार के भगाए हैं, उसी के याद में उसी के नाम से यह डोंबारी बुरु बनाया गया है। काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, फ़ोटोशूट के लिए आते हैं। तो आप लोग भी आइए और यहाँ का मज़ा लीजिए। चलिए दिखाते हैं सामने से किस प्रकार से बनाया गया है ये पत्थर, किस प्रकार से जोड़ा गया है, कितने ऊंचाई पे है। तो चलिए सामने बताते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनाया गया है यह डोंबारी बुरु का स्तंभ, और काफ़ी लंबा है और ऊंचा भी बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं कितना ऊंचाइयों तक है यह डोंबारी बुरु। देख सकते हैं किस प्रकार वाइट पत्थर से जोड़ा गया है यह, और चारों तरफ से देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। पूरा चारों ओर से घनघोर जंगल, पूरा हरा ही भरा और चट्टानों से भरा यह पहाड़, और यह जगह डोंबारी बुरु मन को लुभा देता है, और काफ़ी मनमोहक है यह जगह, देखने में भी काफ़ी मनमोहक है। देख सकते हैं किस प्रकार के पत्थर से बनाया गया, संगमरमर पत्थर से बनाया, कितने ऊंचाइयों तक बनाया गया, देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई है, और यह किस प्रकार से जोड़ा गया है देख सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे भैया लोग सब चैलेंज कर रहे हैं, कौन कितना सकेगा या नहीं सकेगा, देख सकते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा किस प्रकार से दिखाई देता है। चारों साइड से पूरा घनघोर जंगल और चट्टानों से भरा है ये जगह, और बीच में यह जगह बनाया है डोंबारी बुरु का स्तंभ, ये पत्थर संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। और देख सकते हैं पीछे का नज़ारा व्यू किस प्रकार है, काफ़ी जहर लग रहा है, काफ़ी ओसम लग रहा है। तो गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को देखने को मिलते रहेगा, काफ़ी अच्छा अच्छा जगह के बारे में आप लोग बताते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस, ये वही जगह है जहाँ पे बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों को मार गिराए थे और मार भगाए थे, ये जगह वही है, उसी के नाम पे यह जगह बनाया गया है डोंबारी बुरु। और शायद हमको लगता है, मतलब सुने हैं बट देखे नहीं हैं, नीचे साइड कहीं पे गुफा है बट हम लोग देखे नहीं हैं, अगर देखते तो आपको दिखा सकते थे बट हम देखे नहीं हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ इसके लिए। तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है उलिहातु, तो मैं उलिहातु के बारे में फिर से एक बार मैं वीडियो लेके आऊँगा आप लोग के लिए। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। तो तब तक के लिए
ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब